एक तरफ दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा, जिसके जहर के आगे बड़े से बड़े जानवर भी बेबस हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी ईगल, जो कब और कहां से अपने शिकार पर हमला करता है। इसकी भनक तक इसके शिकार को नहीं होती। तो जरा सोचिए क्या होगा जब किंग कोबरा और ईगल आपस में भिड़ेंगे, तो आखिर जीत किसकी होगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किंग कोबरा सांप के बारे में। इनकी औसतन लंबाई 15 से लेकर 20 फुट तक होती है। इन सांपों में बेहद ही खतरनाक जहर पाया जाता है और ये अपने शिकार में इतनी भारी मात्रा में जहर छोड़ते हैं, जिससे इनके शिकार की मौत काफी दर्दनाक होती है। वहीं बात अगर ईगल की हो तो इनका आतंक तो आसमान के साथ साथ जमीनी दुनिया पर भी देखा जा सकता है और ये अपने शिकार पर आसमान की ऊंचाइयों से पलक झपकते ही हमला करने में माहिर होते हैं। अगर किंग कोबरा सांप और ईगल के बीच लड़ाई होती है तो ज्यादातर चांसेस है कि ईगल ही जीतेगा, क्योंकि ईगल आसमान की ऊंचाइयों से किंग कोबरा के ऊपर कब और कहां से हमला करेगा, इसकी भनक तक किंग कोबरा को नहीं होगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।